हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के लिए साइंस की क्लास है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कैसे सीड को बोते हैं ये समझ लिया। तो अब ये ट्रांसप्लेशन समझ रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसप्लेटेशन मीन्स प्रत्यारोपण करना, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देना। सीड ऑफ सम प्लांट्स, कुछ बीज के पौधे जैसे पैडी टमाटो, ऑनियन, चिली एंड ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल नर्सरी। जैसे धान, टमाटर, ऑनियन, चिली एंड ब्रिंजल मीन्स बैंगन के छोटे छोटे को पहले हम छोटी नर्सरियों में उगा लेते हैं। व्हेन सीडलिंग ग्रोज दे आर मैन्यूअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। जब ये बड़े हो जाते हैं ना, तो इनको हम मैन्युअली ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं फील्ड में। मैन्युअल ट्रांसप्लांटेड मीन्स हम मैन्युअली इनको हाथों से ही हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये लगा रहे हैं ना हाथों से, ऐसे ही हम उठा उठा के ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है? पैडी की क्रॉप है। किसकी है? पैडी की क्रॉप। ये पैडी की क्रॉप है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडिंग फ्रॉम वन नर्सरी टू फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सीड को परिवर्तित या एक जगह से दूसरी जगह लगाने की विधि, सीड को एक जगह से दूसरी जगह लगाने की विधि को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार समझते हैं। बीज को नर्सरी से खेत में लगाने की विधि को क्या कहते हैं? हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बीज को या फिर अंकुरण को, सीडलिंग मीन्स क्या होता है? अंकुरण, ठीक है। सीडलिंग मीन्स अंकुरण, अंकुरण को या एक अंकुरण के पौधे को एक नर्सरी से खेत तक लगाने की विधि को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। दिस प्रैक्टिस हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, यह अभ्यास हमें निम्नलिखित लाभ देता है या इस अभ्यास से निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हिल्डी सैडलिंग, ठीक है। यह हमें इसकी सहायता से हम केवल स्वस्थ सीडलिंग को ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बीज है, बीज को हमें कैसे रख दिया, तो पता तो है नहीं कि वो कैसा होगा, कि उसका जो पौधा या सीडलिंग है या उसका जो अंकुरण है वो अच्छा होगा कि खराब होगा। लेकिन जब हम अंकुरण ही को लगाएंगे तो वो क्या बिल्कुल परफेक्ट ही अंकुरण को उठाएंगे ना नर्सरी से, क्योंकि अच्छा ही अच्छे ही लगाएंगे, ठीक है। स्पेसिस कैन बी कंट्रोल बिकॉज ऑफ मैनुअली प्लांटेशन। जो टू प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग है, जो जगह है, उसको हम मैनुअली ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अब सीड जब हम बोते हैं तो कुछ सीड ऊपर नीचे या फिर कुछ 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 आगे बो दिया और कुछ और पीछे बो दिया, कुछ और आगे बो दिया, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल एक सा ही लगती है, ठीक है। क्योंकि हाथ से लगाना है, बिल्कुल देख देख के हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, क्योंकि स्पेस बिल्कुल कंट्रोल में रहे, ठीक है। प्लांट्स गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधा पर्याप्त ऊर्जा, पोषण और पानी को मिट्टी से प्राप्त करता है, ठीक है। ठीक है, अब आपका अगला थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, ठीक है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति, ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। मिट्टी खनिज पोषण फसल को प्रदान करते हैं, ठीक है। मिनरल्स मीन्स खनिज होता है, सबको पता है। दीज न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यह पोषण पौधे के बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के कारण फार्मर फसल को सेम फील्ड में सालों साल उगाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे हर बार उन्हें फिर फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, तो जैसे क्या उससे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट अपने आप कम होगा, इसलिए किसान क्या करते हैं कि उसको एक ही फील्ड में लगातार उसमें फसल बोते रहते हैं, उतने ज़्यादा मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते या मिनरल्स ऐड नहीं करते, जिससे ठीक है। अब कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल डिफिशियंट
इन सर्टेन न्यूट्रिशन, ठीक है, फसल की लगातार लगातार उगाने से क्या है, मिट्टी की उपज या क्षमता कम हो जाती है, ठीक है ठीक है। और उसमें क्या हुआ, पोषण तत्व भी कम हो जाते हैं, एंड द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, और मिट्टी अपनी उत्पादक क्षमता या उत्पादन करने की क्षमता को खोती जाती है। जैसे मिट्टी कमजोर हो गई तो उसमें से फिर क्रॉप्स भी कम अच्छे से बढ़ेगी, और वो भी अच्छे से, वो भी कम अपन को क्या देगी, ग्रेन देगी, ठीक है, अपन को कम रिजल्ट देगी। सो द सॉइल न्यूट्रिशन शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए मिट्टी में पोषण तत्व को समय समय से देना चाहिए, ठीक है। दिस कुड बी डन आइदर बाई नेचुरल मेथड्स और एडिशन ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर, ठीक है, या हम प्राकृतिक विधि से या खाद और फर्टिलाइजर या रासायनिक खादों को मिलाकर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेचुरल मेथड ये अगले लेक्चर में देखें, आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आपको जो भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, थैंक यू।